इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक टिप्स के बारे में जानते हैं। अक्सर आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्क कर रहे होते हैं तो जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पर आपका जो इंच होता है, जो रूलर होता है, ये आपका टॉप साइड में भी होता है और एक ऐसा लेफ्ट साइड में भी होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो देखिए ये जो कर्सर है सबसे ऊपर यानी टॉप पर शो कर रहा है, और टॉप पर शो करने का मतलब जब तक ऊपर थोड़ा सा खाली अगर जगह बचता है तो उसमें क्या होता है, वो मार्जिन दिखाता है। तो करना क्या होता है, उसको अगर नीचे करना चाहे ना तो देखिए यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है, जिससे आप खींच कर ड्रैग कर नीचे कर पाए। तो इसके लिए कैसे करना है वो समझते हैं। तो करना क्या है, यहाँ से फाइल मेनू में जाइए और यहाँ से ऑप्शंस पर जाएंगे, एक वर्ड ऑप्शंस का बॉक्स आएगा, डिस्प्ले जो दूसरा नंबर टैब है इस पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पर एक देख रहे होंगे पेज डिस्प्ले ऑप्शंस यानी सो व्हाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। जैसे इस पर टिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखिए कर्सर नीचे आ गया, यानी ये वाला जो इतना जो एरिया है वो मार्जिन है। आप यहां से देखिए इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा इसके मार्जिन को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। हालांकि ये काम आप पेज सेटअप से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, मतलब एक टिक को इनेबल करना है, उसको चेक बॉक्स को इनेबल करना है, उसकी मदद से हम इस पर जो रूलर है उसको अरेंज कर सकते हैं